एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। देखो, एक हॉस्टल है, उस हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं और सारे स्टूडेंट्स अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ एक टेबल दिया हुआ है कि कितने कितने स्टूडेंट्स कौन कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं। तो टेबल में अगर आप देखोगे तो जो लोग हिंदी बोलते हैं वो 40 लोग हैं, यानी कि 40 लोग हिंदी बोलते हैं, 12 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 9 लोग मराठी बोलते हैं, 7 लोग तमिल बोलते हैं, 4 लोग बंगाली बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस हॉस्टल में है 72, ये टेबल में लास्ट में दिया हुआ है। अब इस डेटा के बेस पे हम लोग को एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है और इस पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है कि कौन कौन से लैंग्वेज को कितने लोग या कितने परसेंट लोग बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे पाई चार्ट, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो, ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में हॉरिजॉन्टली बना हुआ है, मैं इसको वर्टिकली बना दिया हूँ, बस उतना डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, लैंग्वेज दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली, और लास्ट में टोटल किया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन सा लैंग्वेज बोल रहे हैं। 40 लोग हिंदी बोल रहे हैं उस हॉस्टल में, ठीक है, और 12 लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं, 9 लोग मराठी, 7 लोग तमिल, 4 लोग बंगाली, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 72। अब इस डेटा के बेस पे हम लोग को एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो पाई चार्ट जब हम ड्रॉ करते हैं तो उस पाई चार्ट में हम लोग को एंगल चाहिए रहता है, जिसको हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग को पाई चार्ट में हिंदी का एक एंगल बनाना हो तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि वो एंगल कितने डिग्री का आएगा। उसके बेसिस पे हम लोग जो सेंट्रल एंगल होगा उसके बेसिस पे हम लोग पाई चार्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंट्रल एंगल। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हो, या फिर आप टोटल यहाँ पर फ्रैक्शन फाइंड आउट करके अलग से उसका सेंट्रल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पर एक ही साथ बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं फ्रैक्शन फाइंड आउट किए बिना, मतलब फ्रैक्शन का कैलकुलेशन किए बिना कैसे करेंगे। हिंदी का हम लोग को सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा, हिंदी बोलने वाले 40 लोग हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पर 72 है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सेंट्रल एंगल, 40 डिवाइडेड बाय 72, ठीक है, जो लैंग्वेज बोलने वाले 40, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72 इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अगर इसको करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, तो यहां पर देखो मैं यहां पर कर देता हूँ 40 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2 3 6, 2 6 12, यहाँ पर डिवाइड करेंगे 2 1 2 और 2 8 16, 2 0 0, फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 2, 2 8 16। देखो लास्ट में जब भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल रहेगा, यहाँ पर 2 9 18, 2 0 0, फिर लास्ट में इवन नंबर है, 2 9 18, और ये हो जाएगा 2 4 8, और यहाँ हो गया 10 2 5 10, 9 1 9, 9 5 45, ठीक है। अब बच गया 40 इंटू 5, तो ये हो गया 200, यानी कि हिंदी का सेंट्रल एंगल हो गया 200 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये 360 डिग्री है। आपको पता है 360 क्या है, एक पाई चार्ट जो होता है वो कंप्लीट सर्कल होता है, उस सर्कल का अगर आप मेजरमेंट करोगे, कोई भी सर्कल का मेजरमेंट करोगे तो वो 360 डिग्री का होता है। तो सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से इसको डिवाइड करके यहाँ से 360 से मल्टीप्लाई करना रहता है। जब इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग का फ्रैक्शन आ जाता है, तो हम लोग फ्रैक्शन अलग से नहीं फाइंड आउट करके एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा डायरेक्टली हम लोग सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं। अब देखते हैं इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना होगा, इंग्लिश बोलने वाले हैं 12 लोग, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72 इंटू जो सर्कल होता है उसका एंगल होता है 360 डिग्री, यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं सेम। तो देखो 72 और 360 को अगर हम लोग कट करेंगे तो फाइनली यहाँ पर 5 ही बचेगा, ठीक है, फिर भी एक बार कर लेते हैं, 12 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360, तो यहाँ पर आप देखो पहले 36 हो गया, ये आएगा 180, 2 से डिविजिबल है, फिर यहाँ पर आएगा 18 और यहाँ पर आएगा 90, दोनों 2 से डिविजिबल है, फिर ये आ गया 9, ये आ गया 45, ये आ गया 9 1 9, 9 5 45, 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 होता है 60 डिग्री, यानी कि इंग्लिश जो है वो 60 डिग्री का होगा, ठीक है। जब पाई चार्ट हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश को 60 डिग्री के मेजरमेंट से बनाएंगे। आगे देखते हैं मराठी, मराठी बोलने वाले 9 लोग हैं, डिवाइडेड बाई 72,
इंटू 360 डिग्री, ठीक है, 9 लोग डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ है, 72 और 360 ऐसे लिखेंगे तो 5 ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ 9 बाई 72 इंटू 360, ठीक है, इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स। वैसे भी 72 इंटू 5 अगर करेंगे तो 360 आ जाएगा, देखो 72 इंटू 5, 5 टू जर 10, 5 7 35 प्लस 1 36, ठीक है, 5 टाइम्स में डिविजिबल है, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आ गया 9 इंटू 5 45 डिग्री, ठीक है, ये आ गया 45 डिग्री। तमिल को करते हैं, तमिल है 7, तमिल बोलने वाले 7 लोग हैं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72 इंटू 360 डिग्री, सेम रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में। यहाँ कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 72 इंटू 360 डिग्री, 72 वन जा 72 फाइव जा 7 इंटू 5 35 डिग्री, तो ये आ गया 35 डिग्री। बंगाली बोलने वाले 4 लोग हैं, तो ये आ गया 4 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 72 इंटू 360 डिग्री, फिर से इसको काटेंगे तो 4 बाई 72 इंटू 360, 72 वन जा 72 फाइव जा 4 फाइव जा हो गया 20, यानी कि इसका एंगल हो गया 20 डिग्री का, ठीक है। अब हमारे पास सबका सेंट्रल एंगल आ चुका है, हिंदी का सेंट्रल एंगल 200 डिग्री का है, इंग्लिश का सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, मराठी का सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, तमिल का 35 डिग्री और बंगाली का 20 डिग्री। अब हम लोग इजीली एक पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहले मैं इस रफ कैलकुलेशन को रब कर देता हूं और एक पाई चार्ट हम लोग बनाते हैं। तो देखो कोई भी पाई चार्ट बनाने के लिए हम लोग को पहले एक सर्कल बनाना रहता है, तो आप किसी भी मेजरमेंट का कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल पहले आप ऐसे ड्रॉ कर लो। अब यहां पर इस केस में देखो, सबसे पहले अगर हिंदी को लेते हैं तो हिंदी का जो एंगल है वो 200 डिग्री का है, अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो आप 180 पहले बनाओगे, फिर वहां पर रख के 20 डिग्री और एक्सटेंड करोगे तब 200 डिग्री आएगा, तो 200 डिग्री को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अपन एक काम करते हैं, अपन रिवर्स चलते हैं, ठीक है, जब अपन उल्टा जाएंगे तो क्या होगा, ये कंप्लीट जो एंगल है 360 डिग्री का है, ठीक है, ये सब मिला के, ये जितने एंगल हैं एंगल को मिला के 360 डिग्री आएगा। आप अगर टोटल करोगे तो 200 प्लस 60 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 20, ये मिला के 360 डिग्री ही आएगा। तो अपन क्या करेंगे, 20 डिग्री बनाएंगे, फिर 35, फिर 45, फिर 60, तो लास्ट में जो बच जाएगा यहाँ पर वो 200 डिग्री का रहेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर से मैं सपोज यहाँ एक पॉइंट ले लिया, सेंटर पॉइंट ये रहेगा ही आपका, यहाँ से एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा ये रेडियस बन गया। आप कोई भी एंगल पहले ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं रिवर्स जा रहा हूँ तो यहाँ से जाओ, आप चाहो तो अगर आपको 200 डिग्री बनाना ईजी लगता है तो पहले आप 200 डिग्री बना लो उसके बाद बाकी को बना लो, या आप चाहो तो पहले 60 डिग्री बना लो फिर 35 बना लो 45 बना लो, जैसा चाहो वैसा आप इसमें पाई चार्ट में ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो रिवर्स चलते हैं, सबसे पहले 20 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं, 20 डिग्री किसका है, बंगाली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ये कर दिया, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये है बंगाली का, ठीक है, इतने लोग बंगाली बोल रहे हैं। अब उसके बाद 35 डिग्री है, रिप्रेजेंट कर रहा है तमिल को, तो तमिल को कैसे बनाएंगे, आपको प्रोटेक्टर यहाँ पर प्लेस करना है अब, और यहाँ से एक 35 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये बन गया आपका 35 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये एंगल जो था ये 20 डिग्री का है, ये एंगल आ गया 35 डिग्री का, 35 डिग्री का एंगल है तमिल का, ठीक है। देखो मैं व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ बिना किसी मेजरमेंट के, अगर आप अपने कॉपी में प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सर्कल बनाओगे और प्रोटेक्टर से मेजर करके एक एक एंगल बनाओगे तो प्रॉपरली एकदम परफेक्ट आपका डायग्राम बनेगा, ठीक। उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, अब देखते हैं मराठी, मराठी बोलने वाले 45% लोग हैं, सॉरी 45 डिग्री का है, 9 लोग बोलते हैं, तो मराठी का कैसे बनेगा, यहाँ पर आपको इस लाइन में प्रोटेक्टर रखना है और यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ये बन गया 45 डिग्री का एंगल, ये इतने सारे लोग बोलते हैं मराठी, ठीक। अब इसके बाद है 60 डिग्री का एंगल जो कि जितने इंग्लिश वाले लोग के लिए, तो यहां पर आपको अपना प्रोटेक्टर को प्लेस करना है और एक 60 डिग्री का एंगल आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये है इंग्लिश के लिए। अब आप देखो यहां पर आप अगर इस एंगल को मेजर करोगे, ये सारे एंगल बनाने के बाद इस एंगल को मेजर करोगे
तो ये जो एंगल है ये 200 डिग्री एग्जैक्टली 200 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। अगर आपका बाकी मेजरमेंट यहां पर सही बना हुआ है, ये 20 डिग्री सही है, ये 35 सही है, 40 सही है, 45 सही है, 60 सही है, तो ये जो एंगल बच जाएगा ये प्रॉपर 200 डिग्री का होगा, जो कि हिंदी है। ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने लोग यहां पर हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो 200 डिग्री को बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए बेहतर रहेगा कि आप पहले बाकी सारे एंगल्स को ड्रॉ कर लो, लास्ट में जो एंगल बच जाएगा, यहां पर जो पार्ट बच जाएगा उसको आप मेजर करोगे तो वो 200 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, और ये इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो से आगे का क्वेश्चन